जनाबत के मसाइल जनाबत कहते हैं नापाकी की उस हालत को जो एहतलाम और जमा की वजह से होती है एहतलाम कहते हैं वेट ड्रीम को यानी सोते हुए जिसम से डिस्चार्ज का होना इसमें मसला यह है कि औरत या मर्द को एहतलाम हो तो गुसल वाजिब हो जाता है इसकी वजाहत आगे आएगी अगला मसला है मजी के आने से गुसल वाजिब नहीं होता बल्कि

मैं नबी करने में शर्म महसूस करता था क्योंकि आपकी बेटी मेरे निकाह में थी मैंने हजरत दरियाफ्त करे चुनाच हजरत मकदाद रजी तनों ने आपसे मसला दरियाफ्त किया तो आप सल्ला ने फरमाया कि पेशाब की जगह धोकर वजू कर लिया करे इससे तहारत हो जाती है, है उससे नापाकी या जनाबत नहीं होती उसमें नहाना जरूरी नहीं होता बीवी से ताल्लुक करने से पहले ये दुआ मांगनी चाहिए यानी जिस्मानी ताल्लुक मुराद है अनिबन अब्बास रदी अल्लाह अनहुमा कौल काल रसूल सल्लाम लउ अन्ना अहदकुम اذا اراد ان ياتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

क्योंकि शैतान ऐसे मौाक़ पर इंसान पे ज्यादा हमलावर होता है और हमारी इस औलाद को भी शैतान से महफूज रख जो तू हमें अता फरमाए ये दुआ पढ़ने के बाद वाले को अल्लाह जो औलाद देगा वो शैतान के शर से हमेशा महफूज रहेगी इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है दोबारा फिजिकल रिलेशन से कबल वजु करना मुस्तह है मुस्तब का मतलब पसंदीदा है फर्ज नहीं है अनबी सी रसूल

नहाना जरूरी है किसके लिए नमाज के लिए इबादत के लिए कुरान पढ़ने के लिए लेकिन अगर इंसान नापाकी की हालत में है अभी और दोबारा एक शख्स बीवी के साथ ताल्लुक कायम करना चाहता है तो जरूरी नहीं कि नहाने के बाद फिर करे दोबारा ताल्लुक में कोई चीज माने नहीं हाँ बेहतर है वजू कर ले मुस्ताब का मतलब क्या बेहतर है वजू कर ले और वजू यहां एक तरह से फ्रेशनेस पैदा करता है इंसान के अंदर लेकिन अगर कोई वजू भी नहीं करता यानी ये ऐसा वज़ू नहीं जैसे नमाज के लिए आप वजू करना जरूरी है कि उसके बगैर नमाज नहीं होगी तो अगर दोबारा ताल्लुक में वजू नहीं किया तो इसका यह मतलब नहीं कोई गुनाह का काम कर रहा है मुस्तहब का मतलब क्या है पसंदीदा है अच्छी बात है लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता तो कोई गुनाह नहीं